हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक नया वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि पीएलसी के ऊपर लैडर लैंग्वेज में हम किस तरीके से ट्रैफिक लाइट कंट्रोल के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं। तो ट्रैफिक लाइट्स कंट्रोल आपने सभी ने देखा होगा, जिसमें आपने डिफरेंट लाइट्स को ग्लो होते हुए देखा होगा, ठीक है, जिसमें आपका रेड लाइट होता है, येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट होता है। और ये लाइट आपकी एक निश्चित टाइम इंटरवल में, एक फिक्स टाइम इंटरवल में आपकी ऑपरेट होती रहती हैं और कंटिन्यूसली ये रिपीट भी होती रहती हैं। तो इस ट्रैफिक लाइट के लिए हम प्रोग्राम किस तरीके से पीएलसी में डिज़ाइन करते हैं, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने ओपन किया है सिमेटिक मैनेजर को, जो आपका 300-400 CPU के लिए, सीमेंस का CPU के लिए यूज होता है। और प्रोग्राम बनाने से पहले हमें हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, जिसको कि मैंने ये वीडियो आपका पहले से ही अपलोड किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं कि कैसे हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं, आप क्लिक करके उसको चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि ट्रैफिक लाइट को आपको ऑपरेट करने के लिए एक स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने एक NO स्विच ले लिया और एक आपने मेन सप्लाई ले ली, ठीक है। और इसको मैं एड्रेस दे देता हूँ I0.0 एंड आउटपुट के लिए Q0.0। तो प्राइमरी एड्रेस मैंने दे दिया I0.0 एंड Q0.0। दोस्तों, अगर आप केवल स्विच यूज़ कर रहे हैं तो सफिशियंट है आपका, इसी से ही आप ऑन कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं सप्लाई को, मेन सप्लाई को। और अगर आप पुश बटन यूज़ कर रहे हैं तो आपको सर्किट को आपको लैच करना होगा। तो इसके लिए मैंने एक स्टॉप स्विच दे दिया I0.1 और आपको इसको लैच करना होगा। लैचिंग मीन्स की यानी कि आपके आउटपुट को कंटिन्यूसली होल्ड करना होगा, क्योंकि पुश बटन आप प्रेस करने के बाद रिलीज़ कर देते हैं और रिलीज़ करते ही आपका इनपुट ऑफ हो जाता है। तो इनपुट ऑफ़ अगर हो भी जाए तब भी आप आउटपुट को कंटिन्यूसली होल्ड कर सकते हैं। लैचिंग और अनलैचिंग से रिलेटेड वीडियो भी मैंने अपलोड किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उसमें जा करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक पुश बटन लिया, जिससे मेरी मेन सप्लाई ऑन हो जाएगी। नेक्स्ट नेटवर्क ले लेता हूँ, जिसमें मैं इस मेन सप्लाई से अपनी रेड लाइट को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पर मेन सप्लाई का एड्रेस मैं दे देता हूँ Q0.0 एंड रेड लाइट का जो एड्रेस है मेरा Q0.1, ठीक है। अब ये जो रेड लाइट है, इसको मुझे किसी फिक्स टाइम ड्यूरेशन के लिए ऑपरेट करना है। फॉर एग्जांपल, मैं इसको 10 सेकंड के लिए ऑपरेट कर रहा हूँ। हालांकि ये जब आप इसको ट्रैफिक में देखते हैं तो ये लंबा टाइम भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक। तो अभी ज़्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो तो मैं इसमें 10 सेकंड का समय ले लेता हूँ। तो एक टाइमर मुझे इसमें लगाना होगा। तो सिमेटिक में आपके पास में डिफरेंट टाइप के टाइमर यूज़ होते हैं, जिसमें से मैं यूज़ करने वाला हूँ ऑन डिले टाइमर, ODT ऑन डिले टाइमर। इसका एड्रेस लिख लेता हूँ T0 और इसको एक सिंटैक्स दे देता हूँ S5T has 10 सेकेंड, एस के लिए फॉर 10 सेकेंड। तो मैक्सिमम आप यहाँ पर दे सकते हैं 2 hours 46 minutes and 30 seconds, और मिनिमम आप 10 milliseconds तक का टाइम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऑन डिले टाइमर होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ऑन डिले टाइमर क्या होता है, ऐसा टाइमर जो इनपुट प्रेस करने की कुछ टाइम इंटरवल बाद, जो कि आपने दिया है उसको गिवन असाइन किया है, उस टाइम इंटरवल के बाद आपके आउटपुट को इनेबल करता है, वह जो टाइमर होता है हमारा कहलाता है ऑन डिले टाइमर। देखिए दोस्तों, ये कैसे वर्क करेगा। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर एक इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है, और इनपुट मैंने यहाँ से शुरू किया। इनपुट मेरा एक डिजिटल इनपुट होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये इनपुट मेरा 0 हो रहा है। तो इनपुट में मेरा अभी क्या है इस टाइम पर है आपका I0.0। ये एक एज ए इनपुट आपका बिहेव करेगा, ठीक है। तो ये जो इनपुट है ये प्रेस होगा, उससे Q0.0 आपकी हाई हो जाएगी। तो इसी इनपुट से आपका Q0.0 आपके टाइमर को यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये जो फाइनल आउटपुट है ये आएगी आपकी यहाँ पे Q0.0, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करता है इसको देख लेते हैं। टाइमर का आउटपुट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ T0, तो ये आपका टाइमर आउटपुट है T0। क्यू से भी आप टाइमर के आउटपुट को ले सकते हैं, T0 से भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो मेरा टाइम है अभी 10 सेकंड का है, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर कम टाइम ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर लिया 5 सेकंड का टाइम, ठीक है। तो 5 सेकंड टाइम लिया, तो इसका मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर मैं इनपुट को उस टाइम सेकेंड में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, तो
तो ये आपका 0 सेकंड हो गया। इनपुट प्रेस करने के बाद 0 सेकंड, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड एंड 5 सेकंड। ठीक है, 5 सेकंड हो गया। 1 सेकंड, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देता हूँ, यहाँ पर इसको 0 कर देता हूँ। और ये आपका टी टाइम के रिस्पेक्ट में आपका इनपुट है टाइम टी। ठीक है, तो टी ज़ीरो जो आपका है यानी कि ऑन डिले टाइमर, ये क्या करता है कि इनपुट प्रेस करने के गिवन टाइम इंटरवल के बाद, अभी फॉर एग्जांपल मैंने गिवन टाइम इंटरवल लिया है 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के बाद ही अपनी आउटपुट को इनेबल करेगा। तो आपका 5 सेकंड कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम है टाइमर का, आउटपुट आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा, आउटपुट इक्वल टू 0। ठीक है, और ठीक 5 सेकंड के बाद इसकी आउटपुट क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। तो यहाँ पर 5 सेकंड के बाद आप आउटपुट इसकी हाई हो जाएगी। कब तक हाई रहेगी, जब तक कि आपका इनपुट हाई रहेगा। तो यहाँ पर इनपुट आपका 0 हो रहा है, इस पोजीशन पर आपका क्या है, इनपुट 0 है। तो इनपुट 0 है तो टाइमर का आउटपुट भी आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका टाइमर आउटपुट 1 रहेगा। तो ऑन डिले टाइमर बेसिकली क्या करता है कि इनपुट में डिले प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम यूज़ करते हैं ट्रैफिक लाइट कंट्रोल को डिज़ाइन करने में। देख लेते हैं किस तरीके से ये वर्क करेगा। जैसे ही इनपुट आपकी मेन सप्लाई से ऑन होगी, टाइमर आपका एक्यूमुलेशन स्टार्ट करेगा और 10 सेकंड के बाद इसकी आउटपुट T0 हाई हो जाएगी। जैसे ही Q0 जो 0 आपका ऑन होता है, उसी समय आपका रेड लाइट भी ऑन हो जाता है। लेकिन 10 सेकंड के बाद T0 के ऑन होने से हम रेड लाइट को ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक NC स्विच दे दूँ, किसका, T0 का। ठीक, इसी तरीके से मैं येलो लाइट के लिए डिज़ाइन करूँगा। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। और मुझे जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ एड्रेसिंग मुझे चेंज करनी है। तो टाइमर का T0 का एड्रेस मुझे यहाँ पर लेना है, क्योंकि रेड के बाद मेरा क्या होना है, टाइमर मेरा ऑन होना है, रेड के बाद मेरा येलो ऑन होना है। ठीक है, तो जस्ट मैंने यहाँ पर उसी तरीके से एक और आउटपुट मैंने यूज़ करी है Q0.2, तो ये मेरा है येलो येलो आउटपुट। ठीक है, तो होगा क्या, जब आपका रेड ऑन होगा और 10 सेकंड के बाद T0 हाई होने से रेड आपका ऑफ हो जाएगा, लेकिन T0 हाई होने से आपका दूसरे थर्ड नेटवर्क में आपका येलो ऑन हो जाएगा। इसी टाइम इंटरवल में आपका टाइमर फिर से काउंट करना शुरू करेगा, और ये अगले 10 सेकंड के लिए, फॉर एग्जांपल मैं येलो के लिए टाइम आपका कम कर देता हूँ, यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसको 5 सेकंड, क्योंकि येलो आपका रेडी के लिए यूज़ होता है और रेड आपका स्टॉप के लिए और ग्रीन आपका मूव के लिए या गो के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पर 5 सेकंड टाइम इंटरवल के बाद T1 हाई होने से येलो आपका ऑफ हो जाएगा, लेकिन येलो के बाद जस्ट आपका ग्रीन ऑन होना है, तो मैं T1 को यूज़ कर लूँगा ग्रीन को ऑन करने के लिए। तो यहाँ पर इनपुट दे दूँगा मैं T1। ठीक है, यहाँ पर मैं एक आउटपुट ले लेता हूँ, ये आउटपुट रहेगी आपकी Q0.3, जो कि आपकी ग्रीन आउटपुट रहेगी। और इस ग्रीन को मैं ऑन कर देता हूँ, क्योंकि ग्रीन आपका गो के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर मैं इसको करीब 15 सेकंड का टाइम मैं इसको दे दूँगा। तो टाइमर का एड्रेस मैंने लिखा T2 और टाइम दिया मैंने S5T S 15 सेकंड। ठीक है, तो गो यानी कि ग्रीन के लिए मैंने 15 सेकंड का टाइम दिया, तो 15 सेकंड तक आपकी आउटपुट ऑन रहेगी। उसके बाद T2 हाई होने से ग्रीन भी आपका ऑफ हो जाएगा, तो T2 हाई होने से ग्रीन भी आपका ऑफ हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, जब आपका एक्यूमुलेशन ग्रीन तक चलेगा यानी कि कंपाइलेशन आपका ग्रीन तक चलेगा, उसके बाद आपका रिपीटेड एक्शन होना चाहिए यानी कि रेड आपका दोबारा से ऑन होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जो लास्ट में आपका जो टाइमर है T2, इसके एड्रेस को मैं अगर यहाँ पर एक NC स्विच से कनेक्ट कर दूँ T2, तो देखिए दोस्तों होगा क्या कि लास्ट में जब आपका ग्रीन ऑन होगा, ठीक है, यानी कि T2 जब आपका ऑन होगा तो ग्रीन ऑफ होगा। T2 के ऑन होने से यहाँ पर आपका क्या होगा, सर्किट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी NC लगा हुआ है तो NC ओपन हो जाएगा, NC ओपन होगा तो T0 आपका ऑफ हो जाएगा। T0 के ऑफ होने से यहाँ पर फंक्शन आपका ऑफ हो जाएगा और T1 भी आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। T1 के ऑफ होने से ये वाला NO भी आपका ऑफ हो जाएगा यानी कि ओपन हो जाएगा, और इस NO के ऑफ होने से T2 भी आपका अगले साइकिल के लिए ऑफ हो जाएगा। तो टाइमर आपके सारे T1, T0, T1, T2 ऑन अवस्था में थे, अब वो आपके ऑफ अवस्था में हो गए हैं, यानी कि एक तरीके से रिसेट हो गए हैं। तो T2 के ऑफ होने से क्या होगा कि आपका इस रेड का जो टाइमर है, इसका जस्ट यहाँ पर मैंने इनपुट पर सेट पर एक T2 दिया है,
और टीटो के ऑफ होने से ये दोबारा से एनसी हो जाएगा, और सप्लाई क्योंकि आपकी कंटिन्यूसली चालू रहेगी तो ये कनेक्शन को दोबारा से कंटिन्यू करेगा और फिर से रेड को ऑन कर देगा। तो इसका हम एक्युमुलेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सिमुलेटर ऑन कर लेता हूँ। तो सिमुलेटर हमारा क्या होता है, एक वर्चुअल सीपीयू होता है जिसमें हम अपने प्रोग्राम को टेस्टिंग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, चेक करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरफेस यूज़ कर लेता हूँ MPI, क्योंकि मैंने यूज़ किया है CPU 313C। तो MPI और इसको रन मोड पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, प्रोग्राम को डाउनलोड कीजिए, देन मॉनिटर कीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया, प्रोग्राम रन अवस्था में आ गया है। इनपुट देना है, सबसे पहले मुझे एक पुश बटन प्रेस और रिलीज़ करना है इनपुट। यहाँ से प्रेस किया मैंने और रिलीज़ किया तो मेरा रेड लाइट, देखिए मेन सप्लाई ऑन हो गई, मेन सप्लाई से आपका रेड लाइट ऑन हो गया। 10 सेकंड के बाद T0 ऑन होने से रेड आपका ऑफ हो जाएगा और वो येलो को ऑन कर देगा। अगले 5 सेकंड के लिए येलो ऑन रहेगा, देन आपका ग्रीन ऑन हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन आपका 15 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। यहाँ पर एक्यूमुलेशन आप देख सकते हैं, इस टाइम पर आपका रेड ऑफ हो गया, येलो ऑफ हो गया, ग्रीन ऑन है। तो 15 सेकंड के बाद T2 ऑन होने से ग्रीन आपका ऑफ हो जाएगा और रेड आपका दोबारा से ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका रेड देखिए दोबारा से ऑन हो गया है। अगली ये रिपीटेड एक्शन आपका चलता रहेगा। ठीक है, T2 का ऑपरेशन हम देख नहीं सकते क्योंकि इतना फास्ट होता है, 100 मिलीसेकंड का टाइम इंटरवल होता है जो कि हम अपने आँखों से देख नहीं पाते। ठीक है, तो ये एक रिपीटेड फैशन में आपका चलता रहेगा। तो ये एक साइड के पोल के लिए आपका ट्रैफिक लाइट कंट्रोल है। इसी तरीके से आप अपने ट्रैफिक में आप चारों लाइट्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको डिफरेंट टाइम इंटरवल के लिए ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका ये आपका लैडर प्रोग्राम है। अगर मुझे इसका स्काडा में प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, यानी कि अपना HMI पैनल पर डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए मुझे WinCC फ्लेक्सिबल एक सॉफ्टवेयर है सीमेंस का, उसको यूज़ करना होता है। जिसमें हम क्या करते हैं, अपने जो भी हम प्रोसेस डिज़ाइन करते हैं, जो भी प्रोग्राम बनाते हैं, उसका एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। मीन्स कि क्या है कि यहाँ पर अभी आपको ये कॉइल इनेबल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन मुझे फिजिकली जैसा ऑपरेट होता है उस तरीके का मुझे विजुअल चाहिए। तो मुझे क्या करना होगा कि स्काडा में उसे डिज़ाइन करना होगा ताकि मैं उसे HMI पैनल पे लोड कर सकूं, और एक मॉनिटरिंग पर्पज़ के लिए और कंट्रोलिंग पर्पज़ के लिए हम स्काडा को यूज़ करते हैं। तो देख लेते हैं उसमें कैसे हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैंने ये हमारा WinCC फ्लेक्सिबल है, इसको मैंने ओपन किया है। तो यहाँ पर मुझे एक स्क्रीन ओपन होती हुई दिखाई देती है। इस स्क्रीन में मुझे सबसे पहले अपना ग्राफिक्स डिज़ाइन करना होता है। तो सबसे पहले मैंने एक बटन ले लिया है, क्योंकि मैंने एक बटन यूज़ किया है, तो यहाँ से टूल बार से मैंने एक बटन ले लिया है। ठीक है, एक स्टार्ट स्टॉप बटन है और एक आपका, ठीक है, अभी जो है, अभी मेरा जो प्रोग्राम है ये फिजिकल इनपुट एड्रेसिंग इसमें यूज़ की गई है। तो HMI से मैं अपना फिजिकल एड्रेसिंग तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा, मुझे यहाँ पर मेमोरी एड्रेस यूज़ करना होता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपना मेमोरी एड्रेस ले सकता हूँ ताकि मैं उसको HMI से ही कंट्रोल करूँ। तो यहाँ पर मैं मेमोरी एड्रेस ले लेता हूँ M0.0 और यहाँ पर ले लेता हूँ M0.1। ठीक है, तो फिजिकल इनपुट को हम HMI से कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैंने मेमोरी एड्रेस यूज़ कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ से भी मैं क्या कर सकता हूँ इसको, ठीक है, ऑपरेट कर सकता हूँ। अब मुझे इस कार्ड में अपना प्रोग्राम डिज़ाइन करना है, तो मैंने एक स्टॉप स्विच लिया, एक स्टार्ट स्विच लूँगा, एक स्टॉप स्विच लूँगा। ठीक है, और दूसरा क्या है, मुझे टैग लेना होगा। टैग मुझे क्या चाहिए, स्टार्ट के टैग चाहिए मुझे, स्टॉप का टैग चाहिए, और मुझे अपना लाइट्स के टैग चाहिए। तो यहाँ पर कुछ मैंने टैग ऑलरेडी डिज़ाइन किए हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर स्टार्ट स्विच का टैग है, स्टॉप स्विच का टैग है, रेड लाइट है, येलो लाइट, ग्रीन लाइट और मेन सप्लाई। ठीक है, इनके जो गिवन एड्रेस हैं, जो जो मैंने एड्रेस प्रोग्राम में दिए हैं, वही एड्रेस मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये वही एड्रेस है। एक्युमुलेशन साइकिल हमें मिनिमम देना है 100 मिलीसेकंड। एक्युमुलेशन साइकिल यानी कि इनपुट प्रेस करने के कितने टाइम बाद आपका आउटपुट इनेबल होता है। कनेक्शन मैंने कर लिया है S7300 एंड 400 ऑनलाइन। स्क्रीन पर आऊँगा, सबसे पहले टैग असाइन करूँगा, डबल क्लिक किया मैंने, इसको लिख लेता हूँ मैं स्टार्ट। ठीक है, उसके बाद इवेंट में जाऊँगा एंड प्रेस एडिट बिट,
सेट और इसको दे देता हूँ स्टार्ट टैग, स्टार्ट स्विच का टैग इसको दे दिया है। रिलीज़ करेंगे क्योंकि पुश बटन में दो ऑपरेशन होते हैं, प्रेस एंड रिलीज़। तो रिलीज़ करते ही क्या हो जाता है, पुश बटन आपका स्टार्ट स्विच, पुश बटन आपका रिसेट हो जाता है। तो इसको मैंने प्रेस एंड रिलीज़ की प्रॉपर्टी दे दी। इसको दूंगा स्टॉप स्विच को, प्रेस करते ही हमारा बटन क्या हो जाएगा, सेट हो जाता है। और रिलीज़ करते ही हमारा स्टॉप स्विच, सॉरी, प्रेस करते ही सेट हो जाएगा, ठीक है। रिलीज़ करते ही ये क्या होता है, रिसेट हो जाएगा। कौन सा स्विच है आपका, स्टॉप स्विच। तो स्टॉप एंड स्टार्ट के लिए मैंने दोनों को टैग असाइन कर दिए। अब मुझे टैग असाइन करना है अपनी लाइट्स के लिए। तो एक सर्किल ले लेता हूँ लाइट के लिए, ठीक है। एक सर्किल मैंने ले लिया, तो बराबर डिस्टेंस पे मैंने इनको रखा और इसको मैं अलाइन कर देता हूँ, ठीक है। और एक पोल का मैं इसमें आकार इनको दे देता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको एक आकार दे दिया है। आकार देने के बाद मेरा काम होगा टैग असाइन करने का, जिसमें मैंने आउटपुट अपने इनेबल करे हैं। तो इन आउटपुट्स के लिए मुझे टैग देना है, ठीक है। इसको मैं कलर वगैरह भी आपको असाइन कर सकता हूँ, फिल कलर करके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। कैसा भी कलर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर ये कलर डाल देता हूँ। तो आप अलग अलग कलर आप यहाँ पर असाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसको भी मैं कलर दे देता हूँ इस तरीके से। तो एक पोल का मैंने इसको एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन बना दिया है। अब मेरा काम होता है इसको टैग असाइन करना। तो एनिमेशन में जाऊँगा, अपीयरेंस, सबसे पहला है मेरा रेड लाइट। तो रेड लाइट को मैंने रेड लाइट टैग दे दिया और इसको कलर असाइन करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको कलर असाइन कर दिया है रेड। दूसरा है मेरा येलो, अपीयरेंस में जाऊँगा, येलो लाइट सेलेक्ट की बिट 01। 01 का मीन्स यानी कि 0 पर कैसा दिखेगा और 1 होने पर कैसा दिखेगा। 1 होने का मतलब है हाई होने पर, हाई होने पर इनकी इनका अपीयरेंस कैसा दिखेगा वो मैं यहाँ पर सेलेक्ट करने वाला हूँ। ग्रीन लाइट सेट 01, 0 पर वाइट दिखेगा लेकिन जैसे ही 1 हो जाएगा यानी कि हाई होगा तो ये ग्रीन शो करेगा, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट बटन हो गया, स्टॉप बटन हो गया, आपके रेड येलो एंड ग्रीन। टैग देख लेते हैं एक बार। तो मेन सप्लाई, स्टार्ट स्विच, स्टॉप स्विच, रेड येलो ग्रीन, इनके लिए मैंने यहाँ पर मुझे एड्रेस चेंज करना होगा क्योंकि अभी मेमोरी एड्रेस मैंने यूज़ किया है। अगर आप फिजिकल सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो मेमोरी एड्रेस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप डिस्प्ले से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो अभी मुझे दोनों ही काम करना है, डिस्प्ले से भी कंट्रोल करना है और फिजिकली भी कंट्रोल करना है। तो इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, रन कर देता हूँ प्रोग्राम को। प्रोग्राम मेरा रन हो गया है। तो ये स्काडा प्रोग्राम है जो हम HMI पैनल पर लोड करते हैं। तो कोई भी ऑपरेटर इसको देख सकता है कि हमारा प्रोसेस कैसे चल रहा है। तो किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट कर देखने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम स्काडा सिस्टम यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा ये इंडस्ट्री में काम आता है। बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है जब ऑपरेटर मशीन को एग्जामिन करता है या देखता है कि कैसे वो काम कर रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो स्टार्ट, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ प्रोग्राम को। जैसे मैंने स्टार्ट किया, इसमें कोई प्रॉब्लम्स हो सकती है। स्टार्ट यहाँ पर देख लेता हूँ मैं,
ठीक है, प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हो रहा है 0.0 से, लेकिन स्टार्ट होते ही आपका रेड लाइट। एक बार मैं एड्रेसिंग देख लेता हूँ, एड्रेसिंग में कोई, ठीक है, रेड लाइट के लिए की 0.0, ओके रेड लाइट के लिए। यहाँ पर देखिए एड्रेसिंग मैंने थोड़ा सा गलती हो गई है, एड्रेसिंग में चेंज कर देता हूँ 1, क्योंकि रेड लाइट का एड्रेसिंग क्या है आपका 1 है, और इसका है 2, Q0.2, और इसका है Q0.3। तो एड्रेसिंग दोस्तों ध्यान ये देना है कि हमें एड्रेसिंग सही करनी है, क्योंकि देखिए मेरा एड्रेसिंग क्या है, यहाँ पर Q0.1 है, Q0.2 है, Q0.3 है, ठीक है। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ, देखिए प्रोग्राम मेरा बैकग्राउंड में रन हो रहा है, तो इसी के अकॉर्डिंग मेरा स्काडा भी प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा। तो ये मैंने कंपाइल कर दिया, अभी रेड ग्रीन लाइट, मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ, स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं स्टार्ट करूँगा तो आपका रेड लाइट ऑन हो जाएगा, ठीक है। 10 सेकंड का टाइम इंटरवल इसमें दिया है, तो 10 सेकंड के बाद आपका येलो लाइन ऑन हो जाएगी। अब येलो जो है आपका रेडी के लिए जो होता है, 5 सेकंड का मैंने इसमें टाइम दिया है, 5 सेकंड के बाद आपका ग्रीन ऑन हो जाएगा। ग्रीन आपका यूज़ होता है मूव करने के लिए, यानी कि आपका आपको गो करने के लिए यूज़ होता है, और इसका टाइम इंटरवल मैंने दिया है 15 सेकंड, जो कि 15 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा और वापस से आपके रेड को ऑन कर देगा, ठीक है। तो स्टॉप अगर मैं करता हूँ तो मेरा ये पूरा का पूरा प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाएगा। तो स्काडा प्रोग्राम इसलिए यूज़ होता है कि ऑपरेटर उसको देख सके कि अभी फंक्शनिंग मेरी प्रोसेस में क्या चल रही है। ये जो प्रोग्राम आपको स्काडा में चलता हुआ दिखाई दे रहा है, ये आपका लैडर यानी कि पीएलसी में भी यही प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। तो उसके लिए हम देख लेते हैं, ये आपका पीएलसी में देखिए प्रोग्राम आपका रन हो रहा है। अभी आपका Q0.3 यानी कि ग्रीन ऑन है, तो आप देखेंगे ये आपका ग्रीन ऑन है, ठीक है। अभी रेड ऑन हो गया, तो आप देखेंगे कि आपका रेड ऑन हो रहा है। तो यानी कि प्रोग्राम जो होता है वही प्रोग्राम आपका, क्योंकि एड्रेसिंग सेम करी है, टैगिंग होती है, इसलिए हमारा जो HMI जो प्रोग्राम है वो स्काडा जो प्रोग्राम है वो लैडर प्रोग्राम के साथ में लिंक हो जाता है। तो लिंक होने की वजह से जो भी फंक्शन आपका PLC करेगा वही फंक्शन आपको HMI स्क्रीन पर दिखाई देता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा, मुझे आशा है, और आप मेरा चैनल लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपको PLC से रिलेटेड कुछ भी चीज़ आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं अपने वीडियोज़ के, तो आप इन लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं और ज़रूर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।